नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य एनएचएम व एएनएम कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में एएनएम नर्सों ने समान कार्य समान वेतन ऑनलाइन हाजिरी की फरमान को रद्द किए जाने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। हमारी सुनवाई नहीं होंगी, हम सारे काम बंद कर देंगे। क्या आप लोग कार बहिष्कार करने को उतारे हैं? करेंगे, हाँ कार बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग टीकाकरण बंद करेंगे। कब से? अब अगले 13 तारीख से। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर कार्यरत सहायक नर्सिंग मिड वाइफरी अर्थात एएनएम नर्सें बरसों से अपने कुछ बुनियादी सवाल उठाती रही हैं, जिसमें दूरस्थ जनपदों से उनके गृह जनपदों में स्थानांतरित करने, समान कार्य के समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने, चिकित्सा बीमा दिए जाने सहित अस्थायीकरण किए जाने जैसी प्रमुख मांगे हैं। किंतु आज तक उनकी कोई भी मांगे ना तो मानी गई हैं और ना ही अलबत्ता संविदा पर कार्यरत एएनएम नर्सों पर कार्यों का बोझ जरूर बढ़ा दिया गया है। विगत 9 अक्टूबर को विभाग द्वारा जारी ऑनलाइन हाजिरी को एएनएम नर्सों ने उत्पीड़न की संज्ञा दी है। एएनएम नर्सों की माने तो प्रदेश के अधिकांश उपकेंद्र दूर दराज ग्रामीण वनांचल और दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। एएनएम का अधिकांश कार्य भी फील्ड का है। आपको बता दें कि टीकाकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में वो अपने निर्धारित क्षेत्र में क्रियाशील रहती हैं। इस स्थिति में केंद्र और उपकेंद्रों पर समय से ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं है। एएनएम नर्सों से पोर्टल पर केंद्र और उपकेंद्रों के 2 फोटो प्रतिदिन अपलोड कर हाजिरी लगाए जाने के आदेश को अव्यवहारिक और उत्पीड़नात्मक बताया है। इसी क्रम में आज बड़ी संख्या में एएनएम नर्सों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल इको गार्डन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है। आगामी 13 नवम्बर के पूर्व उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सभी कार्यों का बहिष्कार कर देंगी। विभाग को चेतावनी देते हुए एएनएम नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र को आलमबाग कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कपिल गौतम को सौंपते हुए अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले ये एएनएम लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, अपने जीवन के एक लंबे समय को स्वास्थ्य विभाग को इन लोगों ने दिया है और एक उम्मीद थी कि एक दिन आने वाले समय में इन लोग का समायोजन हो जाएगा, किंतु इन लोग का समायोजन नहीं हुआ। इन लोगों का आरोप है कि हम लोग को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन हाजिरी ली जा रही है दोनों टाइम, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहती हैं, किंतु बात इनकी सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची, इन लोगों से धरना स्थल पर कोई मिलने आया कि नहीं आया, इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? निशा पटेल, डिस्ट्रिक्ट बलराम। सर, हम लोगों का ये है कहना कि हम दया हमें भीख नहीं चाहिए, हमको स्थायीकरण चाहिए, ये हमारा जनसिद्ध अधिकार है। और हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि काफी हमारी बहनें दूर दराज उपकेंद्र से काफी जगहों पे दूर दराज उनको झेलना पड़ता है, ये समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, इस वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस ये लगाने में असमर्थ है। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों का ये प्रमुख मांग है ऑनलाइन अटेंडेंस हम नहीं लगाएंगे, समान कार्य समान वेतन हो, 2800 ग्रेड पे हमको लागू किया जाए और स्थानांतरण हम लोगों को किया जाए। सुबह से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आवाज पहुँचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के कानों तक, स्वास्थ्य मंत्री जी के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो संबंधित विभाग का कोई नुमाइंदा या शासन स्तर का कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया? नहीं, कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं इन लोग के अंदर भीषण आक्रोश है। क्या नाम है आपका? कुमारी हेमा। कहाँ से हैं आप? बलिया नगरा ब्लॉक से। कहाँ पर पोस्टिंग है? देवलवीर सब सेंटर।
क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन हम लोग का जो हाजिरी देने के लिए लागू हुआ है वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग का अस्थायी कार्य नहीं करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, कहीं गए 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, सेंटर से दूर 10 किलोमीटर, इतना पैदल जाए फिर वापस आ जाए तो हम लोग को पूरा दिन ड्यूटी करने में ही लग जाएगा। तो आप लोग के जो ऑनलाइन हाजिरी अब लगाई जा रही है तो कहाँ पे? सीएससी पे लगाई जा रही है? पीएससी पर नहीं सर, सब सेंटर पर, वो भी दोनों टाइम लगाने के लिए ऑर्डर हुआ है। तो क्या क्या काम करना पड़ता है बाहर, किस 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 काम के लिए भेजा जाता है? टीकाकरण के लिए भेजा जाता है, कभी कभी सर्वे के लिए भेजा जाता है, यूमिन हम लोग को पूरा दिन संचारी रोग दूसरे क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। निश्चित रूप से इस समय संचारी रोगों का प्रकोप है, मच्छरों का प्रकोप है, और इस स्थिति में इन लोग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये लोग आम जनमानस को अपने सेंटर से दूर दराज जाकर जागरूक करते हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने ऑनलाइन की हाजिरी एक बड़ा रोड़ा खड़ा हो गया है। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम शशि जाटव है, मैं बलरामपुर ब्लॉक से हूँ। क्या कहना चाह रही? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोगों के नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हम लोगों का क्षेत्र 25-25 किलोमीटर दूर है सेंटर हम लोगों का, और एकदम जर्जर हमारे सेंटर है, वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अकेली एक महिला कैसे वहाँ रह सकते हैं और कैसे हम लोग अटेंडेंस वहाँ दे सकते हैं? हम लोगों के ये हो ही नहीं सकता। या तो हमें वहाँ एकदम से जैसे सबको व्यवस्था दी जाती है उस तरीके से हम लोगों को व्यवस्थित। एक बात बताइए, सुबह से आप लोग यहाँ पर हैं, कोई मिलने आप लोगों से नहीं आया, तो आप लोग का धरना प्रदर्शन का क्या अगला कदम होगा? अगला यही होगा कि जब हमारी सुनवाई नहीं होगी हम सारे काम बंद कर देंगे। क्या आप लोग कार बहिष्कार करने को तैयार हैं? हाँ, कार बहिष्कार करेंगे, अब हम लोग टीकाकरण बंद करेंगे। कब से? कब से? अब अगले 13 तारीख से। 13 तारीख से आप लोग कार बहिष्कार करेंगे? जी सर। 13 नवंबर से हम कार को यहाँ दीपावली में हम लोग अपना कार्य बंद करेंगे। सरकार अगर हम लोगों की मांगों पर अपना विचार नहीं लगाती है, और सरकार हर क्षेत्र में दीपावली का तोहफा दे रही है, और हम लोगों को कैसा तोहफा दी है कि ना सोते बन रहा, मतलब समझते बन रहा है। आप लोग संविदा पर काम कर रही है, कितना वेतन मिलता है? कितना बनते हैं? 12,000 रुपया। 12,000 जी सर। 12,000। ये उम्मीदें लगा के सरकार हमसे बैठी है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम दोनों टाइम लगाएं, किस स्थिति में हम लोग काम करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, एनएम हैं, और जनता को जागरूक करते हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे टीकाकरण की बात कहें या संचारी रोग के प्रचार प्रसार की बात हो, लोगों को जागरूक करने के लिए ये लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करते हैं। इन लोगों की अनगिनत मांगे हैं, एक लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अब इस नौकरी को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग ओवर एज होने के कगार पर हैं, और एक उम्मीद इन लोगों को सरकार से थी कि आने वाले समय में इन लोगों का समायोजन किया जाएगा, अथवा इन लोगों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। किंतु आप देख सकते हैं कि इस महंगाई के जमाने में ये लोग कैसे अपने घर का खर्चा चलाते होंगे, बच्चों की फीस कैसे जमा करते होंगे, ये तो यही लोग जानते होंगे। हालांकि अब दीपावली नजदीक है, निश्चित रूप से त्योहारों में खर्चा बढ़ जाता है, और इस स्थिति में इन लोग के सामने कड़ी बड़ी संकट उत्पन्न हो जाती है। अब ये लोग सरकार को चेतावनी दिए हैं कि 13 नवंबर तक यदि इन लोगों के मांगों पर अमल नहीं किया जाता है, इन लोगों की जो ऑनलाइन हाजिरी है उस पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो ये लोग आने वाले समय में कार्य बहिष्कार करेंगे। 13 तारीख से ये लोग अपनी सेवाओं को ठप कर देंगे। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।